أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا इबादत करो रब तुम अपने रब की खलाम तुम्हें पैदा किया ववीना और वो लोग जो मिन से कब लिखो तुम से पहले ललकुम ताकि तुम तुम परहेजगार हो जाओ यानी लोगों बंदगी करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको और उनको जो तुमसे पहले थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ रब सूर्य बकरा की दूसरी आयत में उस दुआ और दरख्वा का जवाब था जो सुर फातिहा में आई है यानी यानी जो सैरात मस्तकीम तुम तलब करते हो वो इस किताब में है क्योंकि कुरान करीम अव्वल से आखिर तक सैरात मस्तकीम ही की तशरी है इसके बाद कुरानी हदायात को कबूल करने और ना करने के एतबार से इंसान के तीन ग्रोहों को बयान किया गया पहली तीन आयत में मिनीन मिनतिन का जिक्र हुआ जिन्होंने हदयात और आनी को अपना नसबुल आयन बना लिया बाद की दो आयतों में उस ग्रोह का जिक्र किया जिसने खुले तौर पर उस हदायत की मुखालफत की इसके बाद तेरह आयतों में उस खतरनाक ग्रोह के हालात बयान किए गए जो हकीकत में तो कुरानी हदयात के मुखालिफ थे मगर दुनिया की जलील अगराज़ यानी कि जलील मकासद जो थे या मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के ख्याल से अपनी कुफर और मुखालफत को छुपा कर मुसलमानों में शामिल रहते और अपने आप को बज़ाहिर मुसलमान जाहिर करते इसी तरह सूर् बकरा की इब्तदाई बीस आयतों में हदायत के कबूल करने और न करने के मैार पर कुल इंसानों को तीन ग्ररोहों में बांट दिया गया जिसमें सिर्फ इशारा पाया गया कि इंसानों की ग्रोही और कौमी तकसीम और वतन या जुबान और रंग की बुनियादों पर माक़ुल नहीं है बल्कि इसकी सही तकसीम मजहब की बुनियाद पर है कि अल्लाह क्या रबालत और उसकी हदायात को मानने वाले एक कौम और ना मानने वाले दूसरी कौम जिनको सूर मुजादिला में हिजबुल्लाह और शैतान का नाम दिया गया बकरा की इब्तदाई 20 आयतों में कुरानी हदायात को मानने या ना मानने की बुनियाद पर इंसान को तीन कौमों में तकसीम करके हर एक का कुछ हाल बयान फरमाया गया इसके बाद मजकूरा इक्कीसवीं और जो बाईसवीं आयत है जो आपके सामने इक्कीसवीं आयत तलावत की गई इसमें तीनों ग्रोहों को खताब करके वो दावत पेश की गई है जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ इसमें मखलूक प्रस्ती से बाज आने और एक खुदा की इबादत करने की तरफ दावत ऐसे अंदाज़ से दी गई है कि इसमें दावे के साथ उसके वाज दलाल भी मौजूद हैं जिनमें अदना समझ बोल इंसान भी जरा सा करे तो तोहिद के करार पर मजबूर हो जाए तो पहली आयत में या इससे खिताब शुरू हुआ अरबी जुबान में मतलब इंसान के माना में आता है इसलिए मजकूरा तीन ग्रोह जो पीछे तीन ग्रोहों का जिक्र किया गया है वो भी इसके अंदर दाखिल हैं। जिनको मुखातब करके इशात फरमाया कि अपने रब की इबादत करो इबादत के माना है कि अपनी पूरी ताकत मुकम्मल फर्माफरदारी में सर्फ करना और खौफ अजमत के पेश नजर नफरमानी से दूर रहना लफज रब के माना परवरदिकार है जिसकी पूरी तशरी सूरत फातिहा में गुजर चुकी है तो तर्जमा यू हुआ कि इबादत करो अपने रब की यहाँ पर लफ्ज रब की जगह लफ्ज अल्लाह यह आसमाय हसना में से कोई और नाम भी लाया जा सकता था मगर इन में से इस जगह लफ्ज़ रब का इंतबाब करने में ये हमत है कि इस मुख्तसर से जुमले में दावे के साथ दलील भी आ गई क्योंकि इबादत की मुस्तक सिर्फ वो ज़ात हो सकती है जो इंसान की परवरिश की कफ़ील हो जो उसको एक कतरे से तदरीजी तरबियत के साथ एक पला चंगा सभी और बसी अक़ल और, और द्राक वाला माहिर इंसान बना दे और उसकी बका और इर्त के वसाइल मुहैया करें सहीहैन में हदीस है इब्ने मसूद रजील् तु पूछते हैं हजूर वसल्लम बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है आपने फरमाया अल्लाह के साथ जो खालिक है तो उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराया जाए अल्लाह इज़्ज़त फरमाते हैं कि इंसान अगर ज़मीन पर ख़त़ाओं के साथ मुझसे मिले और उसने मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराया हो तो मैं तब भी उसके गुना माफ़ कर दूँगा एक शख़्स ने सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम से कहा जो अल्लाह चाहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो आपने फ़रमाया तो मुझे अल्लाह का शरीक ठहराता है तू तो यूँ कह जो अल्लाह ताला अकेला चाहे ये तमाम कलमाते तो के सरसर ख़िलाफ़ हैं तोद बारी के लिए ये सब अहदिस बयान की गई हैं आलम तमाम कुफार और मुनाफ़ों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म दिया है और फरमा दिया और अबरबा को अल्लाह ताला की इबादत करो यानी उसकी तोहद के पाबंद बन जाओ उसके साथ किसी किसी को भी शरीक न ठहराओ जो तो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और तुम जानते भी हो कि उसके सेवाब कोई रब नहीं है जो तुम्हें रोजी पहुंचा सके और तुम जानते हो अल्लाह अलैहि वसल्लम तुम्हें इस तौहीद की तरफ बुला रहे हैं जिसके हक और सच होने में कोई भी शक नहीं है शिरक इससे भी ज़्यादा पोशीदा है जैसे जूनटी जो रात के अंधेरे में किसी साफ पत्थर पर चल रही हो इंसान का ये कहना कि कसम अल्लाह की और कसम आपकी हयात की यह भी शिरक है किसी का ये कहना अगर अल्लाह ना होता और फला ना होता यह कलमा शिरक है सही हदीस में है कि किसी ने रसोल्ला वसलम से कहा जो अल्लाह चाहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू मुझे अल्लाह ताला का शरीक ठहराता है इसी तरह दूसरी हदीस में है तुम अच्छे लोग हो अगर तुम शिरक ना करते तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और जो फलां चाहे ऐसे कहना गोया कि अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक बनाना है तो खुलासा ये निकला कि इस जगह लफ्ज़ रब ला कर यह वाज कर दिया गया जिस ज़ात की इबादत की तरफ़ दावत की गई है उसके सिवा कोई दूसरी हस्ती इबादत के मुस्तक हो ही नहीं सकती इस जुमले में इंसानों के तीन गुरुों को खताब है और हर मुखातब के लिए इस जुमले का माना और मतलब जुदा जुदा है मसलन, जब कहा गया अपने रब की इबात करो तो कुफार के लिए इस खिताब के माना ये हुए कि मखलूक परस्ती छोड़ कर ही दख्तियार करो और मुनाफिकीन के लिए इसके ये माना हुए कि नफाक छोड़ कर अखलास पैदा करो गुनागार मुसलमानों के लिए उनके लिए हो तो फिर ये माना हुए कि गुनाह से बाज आओ और कामिल इतात अख्तियार करो और मुत्तकी मुसलमानों के लिए इस जुमले के ये माना हुए कि अपनी इतात और इबादत पर हमेशा कायम रहो और इसमें तरक्की की कोशिश करो इसके बाद रब की चंद खासा का करके, इस मजमून की मजीद वजाहत फरमा दी गई इर्शाद होता है यानी तुम्हारा पर वो है जिसने तुम्हें पैदा किया और इन कौमों को, को भी जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं। इसमें रब की वो सिफ बतलाई गई है जो अल्लाह जल्ला शाह के सिवा किसी मखलूक में पाए जाने का किसी को वह और गुमान भी नहीं हो सकता नीस से हिस्त और नाबूद से बुद करना फिर बतने मादर की तारीखियों और गंदगी में ऐसा हसीन और वमील पाक और साफ इंसान बना देना कि फरिश्ते भी उसकी पाकी पर रश करें ये सिवाय उस ذات حق हाँ के किसका काम हो सकता है जो किसी का मोहताज नहीं सब उसके मोहताज हैं इस आयत में خلق قم के साथ الذين من قبلكم का इजाफा करके एक तो ये भी बतला दिया कि तुम और तुम्हारे आबाऊ आज्दाद यानी तमाम बनी नए इंसान का खालिक वही एक अल्लाह है दूसरा सिर्फ मिन कबलिकुम का जिक्र फरमाया मिम बादिकुम यानी बाद में पैदा होने वाले लोगों का जिक्र नहीं किया इसमें इस, इस तरफ इशारा हो गया कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरी उम्मत या दूसरी मिल्लत नहीं होगी क्योंकि ख़ात्नबी जी वसल्लम के बाद ना कोई नबी मबूस होगा ना उसकी कोई जदीद उम्मत होगी इसके बाद इसी आयत का आखिरी जुमला है लकुम तत्ता यानी दुनिया में गुमराही और आख़िरत में खुदा से बचा नजात पाने की उम्मीद तुम्हारे लिए सिर्फ़ उसी सूरत में हो सकती है कि तोहीद को अख्तियार करो सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले जाओ और शिरक से बाज आ जाओ यानी सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दो कि जो कुछ करने वाली जात है सिर्फ अल्लाह की है तो अल्लाह ताला से टूट कर कभी कोई कामयाब नहीं हुआ है और अल्लाह को खोकर कभी किसी ने मंजिल को नहीं पाया अल्लाह को पाने वालों ने कभी मंजिल को ना खोया जिन्हें अल्लाह मिला उन्हें सब कुछ मिला जिन्हें अल्लाह ही ना मिला उन्हें कुछ भी ना मिला जिस रूह को अल्लाह नहीं मिलता वो रूह मुस्तरब होती है बेचैन होती है वो रूह परेशान होती है ऐसे ही इन व दीवार में भी एक रूह है इस कायनात में एक रूह है वो रूह मुतरब परेशान होती है जब उसे अल्लाह का ताल्लक नहीं मिलता जब उसे अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलती एक हदीस में है इनल अर्जा तब के इंसान व तब के इंसान कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत पे ज़मीन रोती है या अल्लाह ये क्यों मार के इसके सज्दू से मैं आबाद इसके ज़िक्र और तलावत में मैं आबाद आसमान रोता है ज़मीन रोती है या अल्लाह ये क्यों मर गया और कुछ लोग ऐसे हैं उनके ज़िंदा रहने पे ज़मीन रोती है तब कि यह इंसान या अल्लाह ये कब मरेगा ये बदबخت कब मरेगा अल्लाह इसने मेरा कलेजा चाक कर दिया इसने मेरे जिगर को पारा पारा कर दिया इसने मेरे वजूद में आग को भर दिया तेरा तो फरमानी के साथ तेरे शरीयत को तोड़ने के साथ तेरे साथ दूसरों को शरीक बनाया मोला तो उसे कब उठाएगा तो कब इसको उठाएगा एक एक चीज़ गवाह बन के आएगी खैर की गवाह शर की गवाह तो आपको पता है गवाहों के बयान पर केस का फैसला होता है गवाहों पर गवाह सही भुगत जाए फैसला हक में गवाही खिलाफ चली गई फैसला खिलाफ हो गया तो ये कायनात हम पे गवाह है ये कायनात ये फिजा ये हवा ये दरिया ये इंसान सब एक दूसरे पर गवाह है सब एक दूसरे पर गवाह आज, है वो भी हमारे खिलाफ गवाही देंगे तो इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह भी काफिन अब मेरे बंदे काफी नहीं हूं मैं तेरे लिए अल्लाह भी और कोई भी। अल्लाह भी है ये भी है वो भी है यहीं से शिर्क के दरवाज़े खुलते हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इज़्ज़त हमें सिर्फ एक अल्लाह की मान कर चलने की तोफ़ी अता फरमाए और हमें तोहेद को सही मानों में समझने की अता फरमाए جلا إله الا الله محمد الرسول الله کا مطلب ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی میں لانے کی عطا وما علينا الا البلاغ المبين امين ثم امين